हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आपके दो नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुलाम के नियम पर आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के ले। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सभी को गुलाम नियम को पूरी डिटेल से समझा दिया है। आज हम इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफी शानदार होने वाला है। साथ ही साथ बच्चों, इस क्लास में जो पीडीएफ है आपको वो फ्री में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन और भी है बच्चों, उनको मैं सबको डिटेल से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, कह रहा है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को, दो आवेश है, एक समान आवेश है, ठीक है, और कहां रखे हुए, 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान होगा, तो आपको आवेश का मान बताना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैं आप सभी को समझा दूं। दो आवेश है, मान लीजिए एक आवेश ये है आपका क्यू ओ वन, और कुछ दूरी पर, दूरी का मान दिया हुआ है 3 मीटर पर, एक दूसरा आवेश रखा हुआ है क्यू टू। प्रश्न में कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया है प्रश्न में, अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि दो एक समान बराबर आवेश है, इसका मतलब क्यू वन जितना है उतना ही आपका क्यू टू है। इन दोनों को हम मान लेते हैं क्यू वन, माना इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, 1.6 न्यूटन, तो F का मान दिया हुआ है। तो आपसे आवेश का मान पूछ रहा है, Q1 का और Q2 का आपसे मान पूछा जा रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि आप Q1 का मान निकाल लेते हो तो Q2 का मान भी उतना ही होगा, यदि आप Q2 का मान निकाल लेते हो तो Q1 का मान भी उतना ही होगा, और दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया, क्यू के बराबर। अब देखिए, सीधी सी बात है, किस पर आधारित प्रश्न है, ये आपका गुलाम के नियम पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए, गुलाम का नियम क्या होता है, सभी बच्चों को यदि याद हो, पिछली क्लास ली हो आपने गुलाम का नियम, तो ये आपका होता है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। अब देखिए, आपको एफ का मान दिया हुआ है कितना है, 1.6 बराबर के, क्या होता है आपका समानुपाती नियतांक, इसका वैल्यू होता है 9×10^9, ठीक है। Q1 और Q2 आपके आवेश है, दोनों कैसे हैं, एक समान और बराबर, मतलब प्रकृति में भी और परिमाण में भी, तो यहां पर आपका क्यू आ जाएगा और यहां पर भी आपका क्यू आ जाएगा। रीजन क्या है उसका, Q1 और Q2 क्यू माने हैं हमने, बटे में है आर का स्क्वायर, आर है हमारे पास 3, स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा पास 9, ठीक है। अब देखिए आप आगे, 9 से तो 9 कट जाएगा, 1.6×10^9 गुणा में क्यू गुणा क्यू, क्या हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, आपको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू आगे स्क्वायर को आप इधर ही रखिए, 10^9 को यहां भाग लगा दीजिए, तो 1.6×10^9। अब देखिए आप आगे, क्यू स्क्वायर, यदि आप यहां से पॉइंट हटाते हो ना दोस्तों, तो ये 10^10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको तो क्यू का मान निकालना है, ये क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, ये आपका 16/10^10 हो जाएगा। अब देखिए आप, 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, 10^10 को आप लिख सकते हो 10^5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में हट जाते हैं, तो यहां बचेगा 10^5। अब आप इसको ऊपर ले जाते हो तो 4×10^-5 कूलाम आपका आवेश आ जाएगा। तो Q1 का मान कितना है, 4×10^-5 कूलाम, और Q2 का मान भी 4×10^-5 कूलाम। दोनों आवेश देख लो, परिमाण में भी समान है और प्रकृति में भी समान है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जब दो आवेश प्रकृति में समान हो तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये था आपका पहला सवाल, अब समझते हैं हमने। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा।
दो आवेशों के मध्य एल एप क्या है आपका बल है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ये कहता हूँ एग्जाम में तो छप गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हो, ये क्या कह रहा है, दो आवेश है, एक आवेश यहाँ मान लीजिए आप Q1, एक आवेश आप यहाँ मान लीजिए Q2, दोनों के बीच की दूरी है आपकी R। शुरुआत में जब कुछ नहीं किया आपने, ना दूरी को चेंज किया, तब लगने वाला बल था F, और कितना बल लग रहा था, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब आपने क्या किया, दूरी को कर दिया 3 गुना, पहले दूरी R थी, अब आपने दूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3R कर दिया। लीजिए मैंने दूरी बढ़ाकर 3R कर दी, ठीक है। अब कह रहा है कि तब इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, फॉर्मूला लगा दीजिए बल का, F बराबर में क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। R कितना है आपके पास, 3R, यहाँ 3R लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखिए के Q1 Q2 बटा 3R का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और R का R स्क्वायर, इतना आ जाएगा। थोड़ा गौर फरमाइए इस बार, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण एक यदि मैं इसको नाम दे दूं तो देखिए ये तो आपका समीकरण एक का मान बन गया, इसको तो आप क्या लिख सकते हो, F, और बटन क्या है, नो, ये पहले का बल है, इसको F मान लीजिए, जो क्वेश्चन में कहा है इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप F डैश मान लीजिए। ये कह रहा है कि तो पहले का जो बल है वो अब लगने वाले बल से मतलब क्या इसमें डिफरेंट होने वाला है, ये पूछा है, तभी ना इसको मान के लगेगा बल, तो कितना बल लगेगा, पहले के बल का 9वां भाग। कहने का मतलब क्या है, यदि पहले 90 न्यूटन बल लग रहा था तो अब आपका सिर्फ 10 न्यूटन ही बल लगेगा। और आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जो लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान घटेगा, और देख मेरी जान बल का मान बिल्कुल घट गया, पहले वाले बल में 9वां भाग लग गया, ठीक है। अब समझते हैं हम अगला, आप करते हैं अगले सवाल, देख लीजिए अगला सवाल क्या है, दो आवेशों के मध्य बल आपका F है, यदि दोनों आवेशों का मान 2 गुना तथा उनके मध्य की दूरी 2 गुना बढ़ा दी जाए तो लगने वाले बल का मान कितना होगा। मैं ये कहता हूं दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट के अंदर नष्ट नाबूद कर दूंगा। देखिए पहले क्या था, दो आवेश थे, मान लीजिए एक आवेश आपका Q1 है और एक आवेश Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, तो इनमें जो लगने वाला जो कूलम बल है वो F बराबर के Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है पहले की कंडीशन, जब आपने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, यदि दोनों आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला आवेश भी 2 गुना करना है और दूसरा वाला आवेश भी 2 गुना, तो पहले वाला आवेश Q1 था, अब ये हो जाएगा 2Q1, और दूसरा आवेश Q2 था, अब ये हो जाएगा आपका 2Q2। आगे कह रहा है उनके मध्य की दूरी 2 गुना बढ़ा दी जाए, जो बीच की दूरी है वो क्या बढ़ा दी जाए, 2 गुना बढ़ा दी जाए, पहले दूरी R थी, अब ये आपकी हो गई 2R, तो लगने वाले बल का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बल निकाले कूलम्ब नियम से, F बराबर में K Q1 गुणा में Q2, तो इस बार जो Q1 का वैल्यू है वो आपका है 2Q1, Q2 का जो मान है वो आपका है 2Q2 बटे में आपको R का स्क्वायर करना है, तो R आपका है 2R, स्क्वायर कर दीजिए। आगे जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, देखो K तो आपका बाहर है ही, तो K रहने दीजिए इसको,
तो दो और दो गुणा होगा कितने हो जाएंगे चार, और क्यू वन गुणा में क्या हो रहेगा आप क्यू टू। नीचे देखिए दो आर का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, और आर का आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। अब थोड़ा आप यहां पर गौर फरमाइए और आपके दिमाग की जो बत्ती है ना दोस्तों यहां पर जल जानी चाहिए। आप सभी देख पा रहे होंगे चार से चार आपका कट जाएगा, तो के क्यू वन क्यू टू बटे में आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप क्या देखोगे यार क्या बात है, पहले जो भी लगने वाला बल एफ था इस नए बल को हम एफ डैश मान लेते एक मिनट के लिए, तो पहले जितना बल लग रहा था अब भी तो मेरी जान उतना ही बल लग रहा है एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि बल के मान में ना तो कमी हुई ना वृद्धि हुई, बल का मान क्या रहा ए परिवर्तित रहा। तो यहां आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप आवेश के मान को जितना बढ़ाते हो, दोनों आवेशों के मान को एक बात ध्यान रखना, यदि आप दूरी का मान भी उतना ही बढ़ा देते हो तो बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट निकलकर यहां से आता है। क्योंकि रीजन क्या है देखिए, दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो समानुपाती है बल के, और दूरी के वर्ग क्या है व्युत्क्रमानुपाती। दोनों का आवेशों का आपने मल्टीप्लाई किया और दूरी का स्क्वायर भाग लगाया तो डेफिनेटली वहां से चीजें कट जानी है। तो है ना कमाल का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे कह रहा है यदि किन्हीं दो आवेशों के मध्य एफ बल कार्य करता है, यदि प्रत्येक आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो लगने वाला जो बल है वो पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। मतलब पहले दोनों आवेश रखे हुए थे तब आपका बल एफ लग रहा था, यदि आपने दोनों आवेशों का मान आधा कर दिया तो जो नया बल अब लग रहा है वो पूर्व की तुलना में कितना ज्यादा है कितना कम है ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी शानदार है, देखिए करेंगे कैसे। देखो पहले क्या था, दो आवेश थे, एक आवेश आपका क्यू वन है एक आवेश आपका क्यू टू है, दोनों के बीच की दूरी है r, तो कितना बल लगेगा कूलम के नियम से f बराबर k q1 q2 बटे में r स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर एक नाम दे दीजिए। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, प्रत्येक आवेश का मान आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा। तो देखिए कैसे होगा, तो ये आपका जो आवेश है अभी q1 आएगा क्या हो जाएगा q बाई टू, और ये आपका q2 बाई टू आपका हो जाएगा। दूरी में परिवर्तन नहीं किया दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए, तो यहां पर तो आपका आर ही रहेगा। तो इनके बीच आप बल निकालिए कितना होगा, तो देखिए नया जो बल निकल रहा है इसको आप एफ डैश मान लीजिए, वही सूत्र लगाना है आपको कूलम बल का, क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तो क्यू वन का मान कितना है आपके पास क्यू वन बटे में दो, और क्यू टू का मान कितना है क्यू टू बटे में दो, और बटे में क्या है आपका आर का स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर में के क्यू वन क्यू टू दो गुणा दो कितना हो जाएगा फोर आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये आपसे कुछ कहना चाहता है, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ये तो आपका बाबू क्या बन गया एफ ही बन गया ना। तो जो एफ डैश है आपका वो एफ बटा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लगने वाला जो नया बल है ना वो पूर्व वाले बल की तुलना में कितना कम है चार भाग है, यानी चौथाई हिस्सा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, पहले यदि 16 न्यूटन बल लग रहा था तो अब आपका सिर्फ 4 न्यूटन बल ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपने आवेश का जो परिमाण है ना उसको घटा दिया, और मैंने कहा था कि आवेश के परिमाण और गुणनफल के बल क्या होता है समानुपाती होता है, परिमाण घटाया तो डेफिनेट बल भी घट जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपका, कितना शानदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, काफी शानदार लाजवाब और ट्रिकी क्वेश्चन है, करने के बाद मजा ही आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों में बल की प्रकृति बताइए। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, बल की आपको प्रकृति बताएं। बल की प्रकृति का मतलब यह है कि जो लगने वाला बल है वो आकर्षण है या फिर आपका प्रतिकर्षण है, तो लॉजिक है समझना पड़ेगा। देखिए कब तो आकर्षण बल लगता है कब आपका प्रतिकर्षण बल लगता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो आकर्षण बल कब लगेगा,
आकर्षण बल कब लगेगा और आपका प्रतिकर्षण बल कब लगेगा। देखिए आकर्षण आपका बल तब लगता है जब दोनों आवेश जो है ना वो प्रकृति में क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग से मतलब क्या है, एक आपका प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, माइनस का क्यू आवेश। तो प्लस और माइनस के बीच आपका आकर्षण बल लग जाएगा, ठीक है। या आपका माइनस आवेश हो और एक प्लस आवेश हो तब भी आपका आकर्षण बल लग जाएगा। प्लस माइनस होने चाहिए, विपरीत आपके आवेश प्रकृति में होने चाहिए। बात करें प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल तब लगता है जब दोनों आवेशों जो प्रकृति है ना वो समान हो, मतलब या तो दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो। मान लीजिए ये भी प्लस का क्यू आवेश है और ये भी आपका प्लस का क्यू आवेश है, तो इनके बीच कौन सा लग जाएगा बल, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। मान लीजिए एक आवेश माइनस का क्यू है, दूसरा भी माइनस का क्यू है, तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। तो ये है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का फंडा। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, Q1 और Q2 को जो गुणा है ना वो जीरो से क्या है, बड़ा है। जीरो से क्या है, बड़ा है। आप थोड़ा सोचिएगा, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो जीरो से बड़ा कब आ सकता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा कब आ सकता है। तो आप क्या हो गए गुरुजी, या तो दोनों संख्या माइनस की गुणा हुई हो या फिर दोनों संख्या प्लस की गुणा हुई हो, तभी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा आ सकता है। बात गहराई एक की है लेकिन बाबू समझनी पड़ेगी। देखिए क्यों, माइनस का मान लीजिए माइनस का दो है और माइनस का तीन है, तो माइनस का दो गुणा होगा माइनस के तीन से, तो क्या आएगा प्लस का छह। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और दोनों प्लस प्लस के हैं तो नो प्रॉब्लम, प्लस का तो आएगा ही, ठीक है। तो याद रखिएगा जब दो संख्याएं माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस का मिलेगा, मतलब जीरो से बड़ा मिलेगा। अब देखिए दोनों आवेशों का जो मान है वो जीरो से बड़ा है गुणा होकर, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 जो Q2 आवेश या तो ये दोनों माइनस के रहे होंगे या फिर ये दोनों प्लस के रहे होंगे, तभी इनका मल्टीप्लाई होकर जीरो से बड़ा आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहां लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल। अब देखिए यहां पर दोनों आवेशों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया, जीरो से कम हो गया। इसका मतलब क्या है, जीरो से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जीरो से कम कब हो सकता है, या तो एक संख्या माइनस की रही हो एक संख्या प्लस की, या एक संख्या प्लस की रही हो एक संख्या माइनस की। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो रिजल्ट माइनस का आता है, और माइनस का रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब जीरो से क्या है, छोटा है, इसीलिए जीरो से छोटा। माइनस प्लस इसका मतलब हुआ Q1 जो Q2 आवेश है, या तो ये माइनस का तो फिर ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। दोनों जब आवेश विजातीय होते हैं तो बल कौन सा लगता है, आकर्षण बल कार्य आपका करता है, यहां पर आपका आकर्षण बल आ जाए। तो ये थे आपके कूलॉम नियम से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाना, कमेंट बॉक्स में ये बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।